आपका नाम? हमका नाम नाली भाई, माली भाई, नाली भाई। जब जबरदस्त हाँ, इस खेत का एक किस्सा बताता हूँ मैं। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, आप एक सब्सक्राइबर लाइक नहीं कर सकते क्या? मेरे जाने के बाद खा लेना, ओके बाय। देखो बकरी ने बाय बोला। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज जा रहे हैं हम मोती माता दर्शन करने और प्रसाद खाने, और ये हमारी सिद्धू मूसेवाला। तो बने रहे मेरे साथ और ये वाला व्लॉग देखो, विलेज व्लॉग है। गांव में आए हुआ हूँ, नाना जी के गांव में। ये मेरा छोटा मामू और मेरा मुकेश मामा। ए सिद्धू बोला, बाय बाय। बोला बाय बाय। हाय बोला कचारी जी। यात्रा वहाँ पे है मंदिर, उधर जाना है। गांव से बाहर ही है ये हमारी ओल्ड बाइक, सबसे जूनी। 22 साल हो चुके हैं इसको। हमारे सिद्धू मामू बाय। तो गाइस मेरा सबसे प्यारा मामू गणेश मामा। तो अभी गांव में आया हूँ तो बहुत व्लॉग बनेंगे गांव में। अभी इसके बाद संडे को हम जाने वाले हैं इधर मामू बेरो बाबा। ये सब पब्लिक मतलब खेत में मंदिर है। लोखंडा ना जा सके तो हम इधर ही जाके दर्शन कर लेते हैं। ये हमारा बंजारा समाज का पोशाक है, ये हमारे यहाँ की परंपरा है और ऐसे पहनते हैं। सबको हाय गाइस बोल दो। आपका नाम? हमका नाम नाली भाई, माली भाई, नाली भाई, जमुना भाई। हाँ। अच्छा। किधर गए थे? इधर हमारे घर दार सब है। इधर क्या? इधर ये मंदिर पे गए थे ना। हाँ, हो गया दर्शन? दर्शन हो गए देवी के। ये हमारे आबा नाना, ये हमारे आबा नाना, आबा ढाबा, आबा ढाबा, पादरा दादा बहुत रास्ते है। ये मेरा मामा शादी होने के बाद भूल गया है, पूरा आज भगत बन गया है। भगत थे क्या? ये मेरी मामी, ये खुशी, भूमि। जय श्री राम। गांव में बहुत अच्छा लगता है। ये हमारी नानी। बोल बोल बोल। अब हम छोटा सा ये मंदिर है लेकिन बहुत दर्शन के लिए आ रहे हैं पब्लिक। ये छोटा डॉन फ्री फायर खेलने वाला। या फिर जलेबी फाफड़ा भजी। गोड़शो पापड़ी। ये आबा ढाबा बहुत हंसते है। हाय नाना। ए शोभा फूफी
शोभा भाई, ये हमारी नानी, सबसे बूढ़ी नानी। यहाँ पर मोती माता, मुझे आशीर्वाद दिया है जल्दी से नौकरी लगे ऐसा। यहाँ पर प्रसाद हमारी मोती माता। प्रसाद प्रसाद है ये। नमू नानी, राधा नानी, ये मेरे मामी। खेले दो जलेबी भजी भजी। नंतर ये हमारी नानी, ये हमारी भाभी, तेरे मामी। ये देखो पैसे, पैसे दिखो। पैसे क्या नहीं देता रे तू, रुक ना। अभी सबसे पहले चालू कर दिया है जलेबी। जलेबी जबरदस्त जबरदस्त। मुझे खिला ना। लड्डू अंडुल भाई, आतंक का दूसरा नाम। लो भजी भजी। अभी खेत में जा रहे हैं, दिखाता हूँ दादा का फार्म कैसा है। थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे खेत में, क्योंकि अगर गांव में आए और खेत में ना गए तो मजा ही नहीं है ना, इसलिए खेत का रोड ऐसा है और पहाड़ों की नागिन ऐसे चलती है। यहाँ पर दूसरी कौन सी बाइक चल नहीं सकती ना। बस इधर स्टॉप कर दे। ये इधर का गांव का कुआं पूरा भरा हुआ था जब छोटे छोटे थे, उधर खेलते थे और उधर एक थोड़ा सा छोटा सा स्विमिंग पूल, मतलब उधर कुंडी बोलते हैं, वहाँ पर खेलते थे। अभी पिछले समर सीजन में हमने इधर स्विमिंग की थी, तब पानी ज़्यादा था ना इसलिए। देखो ना कैसे कितना अच्छा डिजाइन है इधर। इधर ऐसे बैठते थे, इधर खाना खाने के लिए था। देखो हाँ चलो ना। इस खेत का एक किस्सा बताता हूँ मैं। सब नाना मामा हम इधर पार्टी करने आए थे एक बार। हम छोटे छोटे से थे। हाँ मामा, हाँ तो इधर ऐसे ठेकड़ा पकड़ के लाए थे और फिश वगैरह थी, तो उसकी पार्टी रखी थी नाना ने फार्म पर। हाँ तो एक बार फिर हम यहाँ पर स्विमिंग कर रहे थे। इधर भी छोटा वाला वैसे कुंडी जैसा है और इधर हम नहा रहे थे और ऊपर ऐसे चालू था काम, इधर पका वगैरह रहे थे इधर के साइड में।
इधर पका रहे थे, इधर पानी वगैरह सब था, इधर कुंडी है, इधर थोड़ा छोटा सा स्टोर रूम जैसा है। तो ऊपर ना ऐसे हानि का झुंड, मतलब क्या बोलते हैं इसको, हाँ मराठी में मधमाशी का झुंड बोलते हैं इसको, ऐसे ना ऊपर ऐसे लटके हुए थे सब जगह, हाँ शहद का पूरा झुंड झुंड झुंड, पूरे मक्खियाँ ऊपर बैठे हुए थे। और यहाँ पर जला दिया था कुछ ना, मतलब पार्टी चल रही थी तो जला दिया, तो सब उधर से उड़ गए थे, पूरा उड़ रहे थे। फिर भू 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 सब खाना पीना सब छोड़ दिया और इस रूम में आके हम बैठ गए थे। फिर थोड़ा आधा एक घंटा हो गया, उसके बाद निकले बाहर तो चैन की राहत ली। पूरा ऐसा पूरा झुंड 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 हो रहा था पूरा खेतों में, कैसे भी जान बचाई थी तो। लेकिन बैलों का हाल हो चुका था, सब उनको काट लिया था ना, तो फिर डॉक्टर वगैरह को बुलाया था। लेकिन वो किस्सा अभी कभी भी हम बैठते हैं नाना वगैरह मामा, तो किस्सा इस खेत में आता ही है। हमारे नाना सब खेत संभालते हैं, सब पक इधर झाड़ वगैरह लगाया हुआ है, बोर का झाड़ है और चना गाजर और क्या क्या लगाया है खेत में। खेत में बाजरी लगा ले। अच्छा, इधर है ज्वार, उधर है गेहूं, उधर गेहूं है, मक्का। हाँ कपास इस साल में बराबर नहीं है ना नाना, इधर गेहूं है और ये अपना क्या बोलते हैं इसको, नागर बकर है, और ये चारपाई झाड़ के नीचे बैठने को है यहाँ, खट क्या खटिया है हमारे, खटिया में बैठ के आराम करते। हाँ 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 है, अरे पल्ले तांडम यहाँ पे पानी चालू था ठिबक का, क्या लगा क्या मालूम, या फिर ज्यादा करके ना ऐसे स्नेक रहते हैं सांप, तो इधर जाने में ऐसा डर लगता है, लेकिन मैं आपके लिए जा रहा हूँ। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, आप एक सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर सकते क्या चैनल को, ऐसे वीडियो चलते चलते ही सांप दिख जाए ना हटके हाथ में आ जाएगी। देखो मोटर चालू है, देखो जमीन में से ऐसे पानी आता है, देखो ज्यादा करके फिश भी रहते हैं, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर पूरा ऐसा हरा भरा लगता है, उसके उधर के साइड में छोटा सा रिवर है, नदी टाइप बोल सकते हैं। बस इतना ही है खेत में दिखाने जैसा। तो गाइस गांव की एक अनोखी चीज दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं गौरी, इसको बोलते हैं गौरी, मतलब है मतलब जलाने के लिए वगैरह के लिए काम आती है, और इस पर बट्टी भी बनाई जाती है। अभी जो हम मेले में जाने वाले हैं ना, तो इस पर सेक के वो बट्टी बनाने वाले हैं, तो दिखाऊंगा मैं आपको वो वीडियो जब आप मेले में जाएंगे संडे के दिन। मतलब इधर सावरखेड़ा वरखेड़ी करके उधर हर संडे, मतलब जैन के हर संडे को मेला भरता है, तो उधर जाएंगे तो मैं दिखाऊंगा कि इस गौरी पे, मतलब मराठी में गौरी बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं, इसलिए मैं आपको गौरी ही बोल रहा हूँ सीधा, तो वो दिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन टेस्टी लगता है उस पर जो खाना बनता है। तो इधर अभी शेड़ के पास आ चुका हूँ, काश वागुना हो, ऐसे
अभी अकेला घूम रहा हूँ ना, सुनसा मैंने मामा अगर रहता तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहती मुझे। उस दिन फिर रात में पार्टी थी, बहुत मजा की। आवाज सुनने के बाद ही देखो ना कैसे बकरी वगैरह चिल्लाने लगे। ये तो सब गाय बैल ऐसे बंदे मध्य रहते देखो इधर बकरी है, छोटे छोटे ये बकरा देखो गाइस, इस इधर के साइड में चारा भरते हैं और कुछ सामान वगैरह रहे तो, लेकिन इतना है। तो पेटी में देखते हैं क्या है, खजाना मिल गया है गाइस। तो इसमें सब अंडे रखे हुए हैं, पूरे अंडे रखे हुए हैं इसमें, और बाजरी है। मैं अभी इनको थोड़ा खिला देता हूँ क्योंकि उनको आस लगी है ना, मैं आया हूँ तो कुछ तो खिलाऊंगा ना, मैं आया हूँ तो कुछ ना कुछ खिलाना पड़ेगा। चलो चलो मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद खा लेना। ओके बाय। देखो बकरी ने बाय बोला, बाय। और मैं आपको ये सब दिखा पाया, एक मिनट मुझे लॉग इन करना। तो इधर बैल वगैरह को पानी पिलाने के लिए रखा है, और टाकी इधर पानी चालू कर देते हैं। उस दिन की पार्टी की ये रखी हुई थी। बस गाइस इतना ही है दिखाने के लिए, और कुछ होगा आज फन, कुछ फन मोमेंट होंगे घर पे वगैरह, वो भी शेयर करूँगा। तो फिलहाल के लिए ये देखो, जिसका डर था वो आ गया। वागू वागू चुप, मुझे के लेना पड़ेगा अभी, नहीं तो भूखेगा। मुझे चुपके से निकल जाता हूँ, उसको लगा था कि कोई आया है इसलिए आ गया था, लेकिन हथियार है, डरने की कुछ बात नहीं।